हाय, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, पार्ट 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। लेसन नंबर 12, पेज नंबर 97, सुनीता की पहिया कुर्सी, दैट इज सुनीताज व्हील चेयर, दैट इज द मीनिंग। पहिया कुर्सी मीन्स व्हील चेयर, सुनीता की, सुनीताज व्हील चेयर। नाउ दिस इज स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु इज हैंडीकैप्ड एंड शी मूव्स विद द हेल्प ऑफ द व्हील चेयर। She leaves her living with the help of a wheelchair. Let's see what is the story and what is that in her mind. Okay, let's start page number 97. Sunita subah 7 baje sokar uti. Sunita at morning around 7 o'clock she slept and she woke up at around 7 o'clock. Kuch der to vah apne bistar par hi baithi rahi. For some time She sat over there on her bed itself. वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है. She was thinking, sat over there in the bed, she was thinking, today, what all are the works that she has to do. उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है. Suddenly she remembered that it's a day for her to go to the market. सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई. थिंकिंग अबाउट दैट इटसेल्फ शी फेल्ट वेरी हैप्पी. सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी. सो सुनीता, द गर्ल्स नेम इज सुनीता, शी वॉज गोइंग टू द बाजार, टू द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम. उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खींचा. सो शी वॉज सिटिंग ओवर दैर ऑन द बेड विद शी मेड हर लेग पुल डाउन फ्रॉम द बेड और उन्हें पलंग से नीचे की और लटकाया. रिमूव फ्रॉम द बेड एंड जस्ट हैंगड ओवर दैर ऑन द बेड. फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी. एंड विद द हेल्प ऑफ द बेड व्हाट डिड शी डू, विद द हेल्प ऑफ दैट शी वेंट नियर टू हर व्हील चेयर. सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है. सो सुनीता टू मूव हियर एंड देयर शी टुक द हेल्प ऑफ द व्हील चेयर. आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी. सो टुडे शी वांटेड टू फिनिश ऑल हर वर्क विद दैट स्पार्टनेस, विद दैट फ्रेशनेस. हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, बट स्टिल टू ड्रेस चेंज हर ड्रेस एज वेल एज टू वेयर द शूज एंड ऑल, इट वॉज वेरी हार्ड वर्क फॉर हर, वेरी डिफिकल्ट वर्क फॉर हर. पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं. बट इट इज़ अ डेली वर्क, सो टू डू हर डेली वर्क शी हैज़ टेकन सम प्लान्स, शी हैज़ सम मेथड्स टू डू ऑल सच थिंग्स. 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई. एंड नाउ इट वॉज अराउंड 8 o'clock एंड शी बाथ हर सेल्फ एंड नाउ शी इज बीन रेडी. पेज नंबर 98. माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था. हर मदर हैज केप्ट द ब्रेकफास्ट देयर ऑन द डाइनिंग टेबल. माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा. सो सुनीता सेड टू हर मदर, मदर प्लीज गिव मी द पिकल. अलमारी में रखी है, ले लो. सो द मदर गेव अ रिप्लाई फॉर दैट, इट इज़ केप्ट इन द अलमीरा, अलमारी, टेक इट फ्रॉम दैट. माँ ने रसोई घर से जवाब दिया. शी वॉज देयर इन द किचन एंड शी गेव द रिप्लाई फ्रॉम द किचन. सुनीता खुद जाकर अचार ले आई. सो सुनीता शी हर्सेल्फ शी वेंट एंड शी ब्रॉट दैट पिकल बॉटल. नाश्ता करते करते उसने पूछा. सो शी वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट एंड शी आस्क्ड, माँ बाजार से क्या क्या लाना है. मदर व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट आई नीड टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट. 1 किलो चीनी लानी है, यू नीड टू ब्रिंग 1 किलो शुगर. पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, बट विल इट बी एबल फॉर यू टू मैनेज इट, टू एडजस्ट इट. पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा. सो सुनीता गेव द रिप्लाई, पक्का, या दैट इज श्योर, आई विल मैनेज, डोंट वरी. सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए. सो सुनीता आज गॉट फ्रॉम द मदर द झोला, झोला मीन्स द बैग एंड ऑल्सो द मनी फॉर बाइंग दैट. अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी. शी सैट ऑन हर व्हील चेयर एंड शी वॉज ऑफ टू द मार्केट. सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है. सो सुनीता शी वॉज वेरी ईगर, वेरी हैप्पी टू सी द लाइफ देयर ऑन द रोड्स. चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं.
So today, because it is a holiday, there on the roads we can see, she can see most of the children are running, playing over there on the roads. Sunita thodi der ruk kar unhe rassi kudte, gend khelte dekhti rahi. So Sunita, she just stood, waited over there, just was over there, and she saw the children doing the skipping and doing, they were playing over there. She was watching all that things. वह थोड़ी उदास हो गई. बाई सीइंग ऑल दैट थिंग्स शी बिकेम वेरी सैड. वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी ईगर टू प्ले विद दैट चिल्ड्रेन. खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी. दैट ऑन द प्ले ग्राउंड शी सॉ अ गर्ल. हु? सुनीता सॉ अ गर्ल जिसकी माँ उसे वापस लाने के लिए आई थी. ऑफ हु इज दैट गर्ल्स मदर हैज कम ओवर दैट टू पिक हर अप. दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे. दैट गर्ल एंड एज वेल एज हर मदर दे सॉ ईच अदर. फिर सुनीता को एक लड़का दिखा. एंड आफ्टर दैट सुनीता सॉ अ बॉय. उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे. टू दैट बॉय ऑल द अदर बॉयज वर कॉलिंग हिम छोटू छोटू बिकॉज ही डिडंट हैव सो मच ऑफ हाइट. इसलिए बिकॉज ऑफ दैट दे वर मेकिंग द अदर बॉयज वर मेकिंग फन ऑफ हिम कॉलिंग छोटू छोटू. उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था. वाई एवरीवन वर कॉलिंग हिम छोटू बिकॉज हिज हाइट वाज मच स्मॉलर देन द अदर बॉयज ओवर देयर. सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सुनीता डिडंट लाइक ऑल दिस थिंग्स एट ऑल. रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए. देयर ऑन द रोड द पीपल सॉ सुनीता एंड दे जस्ट गेव ए स्माइल टू सुनीता. दे वर स्माइलिंग टू सुनीता जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं. बट सुनीता डिडंट नो दैट पीपल एट ऑल. पहले तो वह मन ही मन खुश हुई. फर्स्ट शी वॉज हैप्पी इन हर माइंड. परंतु फिर सोचने लगी. बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू थिंक. ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं. Why these people are looking at me, staring me like this? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली. There on the playground whom the girl that she saw over there on the playground, she saw that girl again there in the clothes shop. उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी. Her mother was looking to the clothes over there on the clothes shop. तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा. सो दैट गर्ल आस्क्ड सुनीता व्हाट इज दिस स्ट्रेंज थिंग दैट यू आर हैविंग विद यू. यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी. सो सुनीता सेड दैट दिस इज जस्ट ए एंड सुनीता वॉज ट्राइंग टू गिव द आंसर. परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया. बट एट दैट टाइम the girl's mother she became angry to that girl and she asked that girl to move away from Sunita. Okay, now page number 100. Is tarah ka sawal nahi puchna chahiye Farida. So that girl mother told to that girl, that girl's name is Farida. Farida, you should not ask like such like questions to a girl like that. Achcha nahi lagta, it is not good, maa ne kaha, the mother said. मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा. व्हेन शी हर्ड दैट, व्हेन सुनीता हर्ड दैट, शी गेव ए रिप्लाई दैट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन. शी बिकेम वेरी सैड. उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया. शी कुडंट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फरीदास मदर. अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई. एंड एट लास्ट सुनीता शी रीच द मार्केट. दुकान में घुसने के लिए उसे सीटियों पर चढ़ना था. टू गेट इन टू द शॉप, टू गेट इन टू द मार्केट शी नीड टू क्लाइंब द स्टेयर्स. उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डू इट, टू क्लाइंब द स्टेयर्स बिकॉज शी वॉज देयर ऑन द व्हील चेयर. आस पास के सब लोग जल्दी में थे. ऑल द पीपल दैट वर नियर अराउंड हर दे ऑल वर वेरी बिजी. किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नो वन पेड अटेंशन टू दैट गर्ल. अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर छिटाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया. सो सडनली द बॉय हु वॉज बीन मेड फन ऑफ कॉलिंग छोटू छोटू ही केम एंड स्टूड नियर टू सुनीता. मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया. दैट बॉय सेड दैट माई नेम इज अमित एंड शी ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू सुनीता. क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? कैन आई हेल्प यू? मेरा नाम सुनीता है. सो सुनीता सेड दैट माई नेम इज सुनीता.
सुनीता ने राहत की सांस ली. सुनीता नाउ शी वॉज रिलैक्स्ड और मुस्कुराकर बोली एंड गेव ए स्माइल एंड सेड पीछे की पेडल को पैर से ज़रा दबाओगे. एंड शी सेड टू अमित द व्हील चेयर्स देयर ऑन द पीछे के पेडल को देयर इज अ पेडल देयर ऑन द व्हील चेयर्स बैक कैन यू जस्ट विद योर फीट कैन यू जस्ट प्रेस दैट पेडल. हाँ हाँ ज़रूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को ढेड़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा. सो ही डिड द सेम थिंग एंड ही मेड श्योर दैट द व्हील चेयर इज ऑन टू दैट स्टेयर्स द फर्स्ट स्टेयर. फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया एंड ऑल्सो द बैक व्हील्स ऑल्सो ही मेड श्योर दैट दैट इज ऑल्सो ऑन टू द स्टेयर्स. सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा. सुनीता सेड थैंक्स टू अमित एंड सेड अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं. एंड शी सेड दैट नाउ आई एम रेडी आई कैन गो टू द मार्केट माय ओन सेल्फ. दुकान में पहुंचकर सुनीता ने एक किलो चीनी मांगी. दैट शी रीच्ड द मार्केट शी रीच्ड द शॉप एंड शी आस्क्ड फॉर 1 किलो शुगर. दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया. सो द शॉपकीपर ही गेव स्वीट स्माइल टू सुनीता. चीनी की तैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने तैली उसकी गोदी में रख दी. सो सुनीता वॉज शी मेड हर हैंड मूव हर हैंड टूवर्ड्स टू द शॉपकीपर टू गेट दैट पैकेट टू गेट दैट तैला टू गेट दैट बैग. बट वॉट डिड द शॉपकीपर डू उसकी गोदी में रख दी. ही कैप्ट दैट तैला शी ही कैप्ट दैट बैग ऑन टू हर लैप. सुनीता ने गुस्से से कहा. सुनीता शी बिकेम एंग्री एंड सेड मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ. लाइक ऑल अदर्स इवन आई कैन बाई ऑल द सामान. उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. शी डिडंट लाइक दैट दुकानदार दैट शॉपकीपर्स बिहेवियर. चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले. से शी हैड दैट चीनी इन अर हैंड दैट बैग इन अर हैंड एंड बोथ अमित एंड सुनीता वॉज आउट ऑफ द मार्केट. लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब वो गरीब लड़की हूँ. सो शी सेड टू अमित द पीपल आर बिहेविंग टू मी एज इफ आई एम सम स्ट्रेंज गर्ल. सुनीता ने कहा. सुनीता सेड शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं. अमित ने कहा. अमित सेड दैट इट मे बी बिकॉज ऑफ द व्हील चेयर दैट यू आर सिटिंग दैट इज वाई द पीपल आर बिहेविंग टू यू लाइक दैट इन अ स्ट्रेंज बिहेवियर. पर इस कुर्सी में भला ऐसे क्या खास बात है. वॉट इज सच अ स्ट्रेंज थिंग वॉट इज दैट स्पेशल थिंग इन दिस कुर्सी इन दिस व्हील चेयर. मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ. सुनीता ने कहा. सुनीता सेड दैट फ्रॉम अ यंगर एज आई एम सिटिंग ऑन दिस व्हील चेयर एंड मूविंग इन दिस व्हील चेयर सो वॉट इज अ बिग डील इन दैट. अमित ने पूछा. पर तुम इस पर क्यों बैठती हो. बट अमित आज वाई आर यू सिटिंग इन दिस व्हील चेयर. मैं पैरों से चल ही नहीं सकती. सुनीता सेड दैट आई एम नॉट एबल टू वॉक विद माई लेग्स. इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ. आई कैन टर्न द व्हील्स ऑफ दिस व्हील चेयर ओनली थ्रू दैट आई कैन मूव हियर एंड देयर सिटिंग ऑन दिस व्हील चेयर. लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ. बट स्टिल आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन. मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं. आई कैन डू ऑल द वर्क वॉट अदर चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट. सुनीता ने कहा. सुनीता सेड अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा. अमित सेड नो शेकिंग हिज हेड ही सेड नो एंड सेड मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं. इवन आई कैन डू ऑल द वर्क वॉट द अदर चिल्ड्रन कैन डू. पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ. बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन. इसी तरह तुम भी अलग हो. इन द सेम वे यू आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन. पेज नंबर 102. सुनीता ने कहा. नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है. बट सुनीता शी आर्ग्यूड शी सेड दैट नो वी बोथ आर सेम एज द अदर चिल्ड्रेन. अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा. बट स्टिल अमित ही शेक्ड हिज हेड एंड सेड नो एंड सेड अगेन देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो. यू सिट ऑन द व्हील चेयर एंड यू मूव. मेरा कद बहुत छोटा है. माई हाइट इज वेरी स्मॉल. हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है. वी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन.
सुनीता कुछ सोचने लगी। सुनीता शी स्टार्टेड टू थिंक। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की और खिसखिसाई। सो सुनीता विद द हेल्प ऑफ अ व्हील चेयर शी मूव्स लिटिल बिट फ्रंट। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अमित ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग विद हर। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। व्हेन शी वाज क्रॉसिंग द रोड सुनीता शी सॉ फरीदा अगेन ओवर देयर। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। बट दिस टाइम फरीदा डिंट आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन टू सुनीता। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे छट गया। सो अमित व्हाट डिड ही डू ही अगेन स्टूड ओवर देयर ऑन द बैक व्हील्स ऑफ द व्हील चेयर। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। एंड लेटर ऑन बोथ ऑफ देम वेर देयर ऑन द व्हील चेयर्स एंड विद अ वेरी फास्ट दे स्टार्टेड मूविंग देयर ऑन द रोड। फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। फरीदा ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग विद देम। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा। बट नाउ ऑल्सो द पीपल वर स्टेयरिंग एट देम। परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। बट सुनीता डिंट माइंड अबाउट दैट। शी वॉज एन्जॉइंग अवर हर लाइफ एंड शी वॉज थिंकिंग दैट शी वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। शी इज केपेबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग वॉट अदर चिल्ड्रेन यूज टू डू इट। दैट इज द कॉन्फिडेंस चिल्ड्रेन, दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट ईच चाइल्ड नीड टू हैव। Now here Sunita, she was handicapped but still she didn't get the help of her others. She tried to do her own work of her own. Okay children, so this chapter shows the confidence of a handicapped child named Sunita who is there on her wheelchair, who moves on a wheelchair. Okay children, so this is the chapter. Thank you.